नमस्कार दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है हाउसकीपिंग और उससे रिलेटेड 5S कॉन्सेप्ट। हाउसकीपिंग क्या है? हाउसकीपिंग हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोग सभी लोग अपने घर की सफाई करते हैं। घर की जब हम सफाई करते हैं, या मान लीजिए कोई सामान है, आपने एक सामान को उठाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर रखा है, या मान लीजिए आपको एक रूम चेंज करना है, दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारी चीज़ें अपने घर में फॉलो करते हैं। कोई भी जगह हम लोग काम करते हैं उसमें फॉलो करते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में। अब देखिए, जब भी हम कभी कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह, या फिर फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे मान लीजिए आपने रूम खाली किया और एक रूम से सारा सामान या पूरे घर का सामान एक जगह शिफ्ट किया। अब हम उसको दोबारा से मैं सेट करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़ करते हैं हम लोग एक तरीके से सारा सामान जो सॉर्ट करते हैं, कौन सा सामान हम लोग कहाँ लगाना है, एक छटाई जिसको बोलते हैं ना, पहले वो काम किया जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग एक ऑर्डर में उसको लगाते हैं, ठीक है। हम लोग उसको ऑर्डर में लगा देंगे। ऑर्डर के बाद में क्या करना है कि उसको स्वच्छता से कैसे रखना है। देखिए, जब हमने उसकी छटाई कर ली, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, कब ज़रूरत पड़नी है, कहाँ पर ज़रूरत पड़नी है, इन सब चीज़ों को निकालने के बाद में फिर आपने उसको एक सुव्यवस्था के साथ में, यानी कि एक ऑर्डर में आपने सेट कर लिया कि मुझे इसको क्या करना है, कि जो जिस चीज़ की निर्धारित जगह पर है उसको वहाँ रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किचन का सामान किचन में रखेंगे, कमरे का सामान कमरे में रखेंगे, इस तरीके से आप दोबारा सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी साफ़ सफाई आपको रेगुलर करनी होती है। एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। स्टैंडर्ड के बाद में क्या होता है कि फिर इसको कैसे बरकरार रखना है, उस प्रोसीजर को हम लोग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग घर में फॉलो करते हैं, हम लोग वही कॉन्सेप्ट जो है, डेट इज़ 5S, ठीक है। तो 5S एक जापानी शब्द है, जिसका कि मेन एम है, या इसका जो काम है कि हम किस तरीके से अपने काम को व्यवस्थित रख सकें, किस तरीके से हमारी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें, हम ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें। एफिशिएंटली मतलब दक्षता के साथ में, इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से, और उसी के साथ में ज़्यादा सेफ्टी के साथ कैसे काम कर सकें, ठीक है। तो ये होता है 5S कॉन्सेप्ट। सो 5S कॉन्सेप्ट इज अ जैपनीज वर्ड इट्स मेन एम इज टू हाउ टू ऑर्गेनाइज द स्पेस। स्पेस को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। सो वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, मोर इफेक्टिवली एंड मोर सेफली, ठीक है। अब 5S क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें 5S हैं। पहला है सेरी, देन सीटन, सीसो, सिकेत्सु एंड देन शित्सुके। सस्टेन होता है उसको एक तरीके से डिसिप्लिन तौर पर, उन चारों चीज़ों को जो चार हमने एस किए हैं उसको कैसे एक डिसिप्लिन बनाए, कैसे उसको सस्टेन रखे लंबे पीरियड के लिए। तो अगर हम कहें अनुशासन होना एक तरीके से, दैट इज सस्टेन, ओके। तो बारी बारी से हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर हम सेरी की बात करूं मैं, तो सेरी का मतलब है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है छटाई करना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखते हैं कि जब हम ये लोग कोई भी, देखो, घर में या फिर हम किसी भी इंडस्ट्री में या वर्कशॉप फ्लोर पे हम लोग जब काम कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किन चीज़ों की ज़रूरत, और फिर जब ज़रूरत है तो चाहिए, तो कब नहीं चाहिए, है ना। जैसे अभी चाहिए है कि हमें बाद में चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग उसको
छटाई करते हैं, ठीक है, क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए, ठीक है, चाहिए है पर अभी नहीं चाहिए है, उसके बाद में कोई चीज़ अगर मान ली चाहिए तो कहाँ पर चाहिए, सो ये सब चीज़ें जो हैं नीडेड बट वेयर, ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम सेरी में रखते हैं। सेरी का मतलब जो है वो ये है कि हम लोग अब इसमें क्या करना है, हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप में कोई चीज़ हमें ज़रूरत है तो, या कोई मतलब मशीन पार्ट्स है या फिर कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड कब है, कहाँ पर रिक्वायर्ड है, कहाँ रखने हैं, जो हमें रेगुलरली रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको हम अपने पास रखेंगे, जो जिसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है उसको हम थोड़ा सा ये होता है कि अपना अलग सेट रखते हैं तो वहाँ से हम ले सकते हैं, जो कंटिन्यूसली हमारी यूज़ में आने वाली है, जो लगातार हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग अपने पास रख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ना, आप समझ रहे हैं ना कि ये हो गया सेरी, मतलब एक तरीके से हमने छटाई कर दी उसकी, कौन सी चीज़ कब ज़रूरत है, तो ये आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप हटा देते हैं। देन सीटन, सीटन का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि सेट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में रखने के लिए हर चीज़ को उनकी एक निर्धारित जगह पर रखना, ये होता है सीटन, मतलब होता है ना कि एक आपने एक जैसे बोर्ड बनाया हुआ है, एक टेबल बना दी जैसे मान फॉर एग्जांपल है ना, उस पर अपने सारे टूल्स वगैरह को आपने ऑर्डर में रख दिया है, एक इंडस्ट्री में एक टोकन बोर्ड के तरीके से यूज़ किया जाता है, तो टोकन बोर्ड मतलब समझिए कि टोकन वहाँ पर अपने नाम के टोकन्स वगैरह लगे रहते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है मतलब ए और बी हैं और ए को अगर किसी टूल की ज़रूरत है तो ए ने अपना टूल लिया वहाँ से, ठीक है, और अपना टोकन वहाँ लगा दिया, ठीक है, जिसको कि हम शेडो बोर्ड भी कहते हैं, शेडो बोर्ड पे वो सारे टूल्स वगैरह सब लगे होते हैं, एक वर्टिकल बॉक्स होता है, तो ए को ज़रूरत है उसने टूल लिया वहाँ पर उसने टोकन लगा दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल या हैक्सो कोई चीज़ आपने ली वहाँ से और ए ने वहाँ से वो चीज़ ली और उसने वहाँ अपना टोकन लगाया, अब बी को ज़रूरत है उस हेक्सो की, ठीक है, अब वो जाके देखेगा बोर्ड पर, देखता है कि बोर्ड पर देखा उसने कि यहाँ पर टोकन लगा हुआ है वो ए के नाम का है, सो देन ही कैन फाइंड इट वेरी इजिली, कहाँ करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ए के पास जाएगा, ठीक, कि उसके पास है उसका टोकन लगा हुआ है, सो ये कहना चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल सकती हैं, ठीक है, अगर वो जिस निर्धारित स्थान पर रखी रहती हैं तो आपको बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई आप देखते हो कि घर में भी अगर कोई चीज़ अगर आपने रख दी है और अगर एक उसका एक पर्टिकुलर स्थान बना के रखा हुआ है, पर्टिकुलर प्लेस आपने दी हुई है, तो क्या होता है आपको आसानी से मिल जाती है ना, उसके लिए आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर स्पेस जो है वो उसी चीज़ के लिए है, एक बाइक स्टैंड जैसे बना हुआ है तो बाइक स्टैंड पर आपको मालूम है कि बाइक यहीं पर होगी, है ना, घर में किचन का जो स्पून वगैरह आप रखते हैं उसकी चम्मच की जो स्टैंड है वो उस स्टैंड पर रहेगी तो आपको मालूम है कि ये यहीं पर है तो मुझे यहीं से लेनी है ना, चीज़ें मतलब टाइम आपको कम लग रहा है, टाइम कंजम्पशन कम हो रहा है, सो दैट इज़ द वर्क ऑफ सीटन, ये आप करते हैं। उसके बाद है सीसो, ठीक है, तो सीसो में क्या होता है कि उसको चमकदार बनाए रहना, एक तरीके से शाइन, शाइन का मतलब शाइन सी एस सी एस का मतलब है, तो आप नाम से समझ सकते हैं कि क्या है, उसको स्वच्छ रखना, स्वच्छता के साथ रखना, ठीक है, अच्छा स्वच्छता के साथ साथ आपको क्या करना है दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आप जब भी किसी चीज़ की सफाई करते हैं तो सफाई में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी टेबल को साफ करते हैं, टेबल के आगे पीछे ऊपर नीचे जितनी भी स्पेसेस हैं आप उसको सही तरीके से साफ करेंगे, कोई अगर टूल्स या इक्विपमेंट्स या कोई जगह आप साफ़ कर रहे हैं उसके साथ हमें क्या क्या करना है, उसके साथ हमें निरीक्षण भी करते रहना है, ठीक है, निरीक्षण कैसा कि जो हम सफाई कर रहे हैं उसके साथ साथ में ये भी देखते रहना कि वो चीज़ें सही वर्क पोजिशन मतलब वर्किंग कंडीशन में है, उसके कोई पार्ट्स वगैरह तो नहीं टूटे हैं, ये सब चीज़ों को देखते रहना, सो ये है सीसो, ओके। अब चौथा पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज सिकेत्सु, सिकेत्सु का मतलब है स्टैंडर्डाइज, एक मानकीकरण करना, मानकीकरण से क्या मतलब है, हम समझते हैं कि एक स्तर बना के रखना, मतलब जो हमने पहले तीन एस पढ़े हैं
या हम जो 3 S हम जो फॉलो करते हैं, हमने चीज़ों को सॉर्ट किया, उसी सॉर्ट करने के बाद में हमने उसको एक ऑर्डर में लगाया, ठीक है। एक ऑर्डर में लगाने के बाद देन शाइन हमने फॉलो किया, उसको स्वच्छता से रखना है कैसे, तो इन तीनों को किस तरीके से हम अपने एक हैबिट में लेके आए, ये जो काम है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, उसका मानकीकरण। ओके, इन तीनों को हैबिचुअल बनाना, सो दैट इज द मेन एम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक निर्धारित स्तर बना के रखना, ठीक है, कि उनके लेवल के अनुसार उनके क्रम में कैसे रखते हैं, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि कहीं हर जगह एक एक स्टैंडर्ड सेट होता है, जो आपने साइन बोर्ड देखे होंगे उसका भी एक पूरा एक स्टैंडर्ड है कि कैसे बनाना है, कितने साइज़ का होना चाहिए, क्या उसमें बैकग्राउंड होना चाहिए, जो हमारे प्रिकॉशनरी साइंस होते हैं आपने देखा होगा, साइन बोर्ड जो हैं प्रिकॉशंस के लिए होते हैं, अलग कलर के होंगे, ओके, और उसके साथ में जो एडवाइजरी साइंस हैं, जो वो अलग साइन है, हॉस्पिटल के लिए अलग साइन है, तो ये क्या है कि अलग अलग साइंस और सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग की जाती है, तो वो किस लिए है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड सेट है कि आपको उसी के हिसाब से करना है। क्लियर। अब देखिए इसको जो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है इसका, इसको हम इंडस्ट्री में या फिर वर्कशॉप में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके कैसे आएंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि एक जिम्मेदार लोगों की एक टीम बना दी जाए, उसको उसका वो आकलन करें, है ना, कौन जो जो पहले 3 S हैं या जो 3 S हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से किया जा रहा है, उसका आकलन होता रहे, इसको एक रूटीन वर्क बना दें, है ना, रूटीनली अगर वो काम होगा तो आप देखेंगे कि वो चीज़ मेंटेन्ड है ना, वो मेंटेन्ड रहेगी, और चेक करते रहें कितना सही ढंग से सिस्टम काम कर रहा है, ये जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर वे में या पर्टिकुलर फॉर्मेट में सही ढंग से फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये जो हम रेगुलर करते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल टीम बनाना, उसके बाद एक रूटीन वर्क को उसको बना देना और चेक करते रहना रूटीन वर्क से, सो इस तरीके से हम लोग ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है या जो स्टैंडर्डाइज है, जो हमारा 4th S है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर जो हमारे 1st 3 S हैं वो एक हैबिचुअल प्रोसेस बन चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, वो एक हमारे हैबिट का एक पार्ट बन जाए उस तरीके से, है ना। सो ये दिस इज 4 S एंड देन नाउ टॉक अबाउट दी 5th 5th S दैट इज शिट्सुके, जिसको कि हम सस्टेन कहेंगे, ओके, सस्टेन, उसको कैसे अनुशासन में लेके आना है। अब इन 4 S को एक तरीके से एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर के तौर पे मेंटेन रखना, ओके, 4 S को एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर के तौर पे मेंटेन रखना, दैट इज द वर्क ऑफ सस्टेन, एक तरीके से 4 S को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कोई निरंतरता से कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है कोई भी काम करने के लिए हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ डिसिप्लिन इन योर लाइफ और इफ़ देयर इज़ डिसिप्लिन इन ईच एंड एवरी वर्क दैट यू डू, देन उसके जो चांसेस हैं, है ना, वो हार्डवर्क भी आप तभी कर पाएंगे जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में हैं, यू नो, आपका डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, देन ओनली यू कैन सक्सेस, उसी के बाद में देन ओनली यू कैन यू कुड सक्सीड। डिसिप्लिन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यू कैन से, डिसिप्लिन से काम करने से ही आप अपने यू नो जो कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर उसको डिसिप्लिन से करते हैं तभी वो एक मेंटेन्ड रहता है और तभी वो सस्टेन रहता है, जो कि हमारा इसका मेन एम है, ठीक है। इसके लिए क्या प्रोसीजर आपको अपनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि प्रतिदिन एक तो जांच करनी है,
है ना। प्रतिदिन जांच करना जरूरी है कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब ऑडिटिंग रेगुलरली होते रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देना है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, अलग अलग वर्कर्स को आप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दें, और फिर उनको या फिर अलग एरिया के हिसाब से कर सकते हैं, अलग जोन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर सकते हैं कि वो वर्क कंप्लीटली चल रहा है, कैसा चल रहा है ना। ये सब चीज़ें आप देखते रहेंगे। फिर हर एक लेवल पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल भी बनाना चाहिए, मतलब आपको फीडबैक भी साथ के साथ में लेते रहना है कि कंटिन्यूसली आप जो काम करा रहे हैं या जो वो जो काम हो रहा है, जो आप ये 4S को फॉलो करने के लिए एक चैनल प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहे, फीडबैक आपको मिलता रहे कि वेदर आपने कोई काम दिया है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देन प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, आपको मालूम पड़ेगा तो उसके बाद हिसाब से आप सबसे पहले क्या है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मोटिवेशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग द वर्क, ठीक है। जो कार्य एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिलते रहना, उनको अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए उनको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं, आप उनको इंस्पायर करते हैं, देन जो उनकी एफिशिएंसी है वो एक तरीके से दुगनी हो जाएगी, ओके, मतलब वो बढ़ेगी, इट कैन बी टू सम एक्सटेंट बट बढ़ेगी इफ़ यू आर रेगुलरली मोटिवेटिंग दैम। कंटिन्यूसली आप मोटिवेट कर रहे हैं उनको रेगुलर, और मोटिवेट कब कर पाएंगे, उनका फीडबैक मिलेगा आपको, आप उनके वर्क के देखेंगे रेगुलर कंटिन्यूसली ऑडिट करेंगे, वहाँ से आपको मालूम पड़ता है कि काम कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। और उनको मोटिवेट करिए, डोंट डीमोटिवेट, मोटिवेट करिए उनको। तो मोटिवेट करने से ही उनकी काम करने में रुचि भी बढ़ेगी, आपको आउटपुट भी मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है। सो एक तरीके से विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। ये है कुछ 5S। अब इनके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दीज 5S, और इन 5S के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ होती है क्वालिटी। जब फैक्ट्री में या वर्कशॉप में किसी में जब 5S इम्प्लीमेंट होता है तो क्वालिटी अपने आप बढ़कर आती है, क्योंकि हमने क्या किया है। देखो क्वालिटी क्यों बढ़ती है कि एक तो डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स कम होंगी, जब आप सारा काम एक ऑर्डर में करेंगे, सारा काम व्यवस्थित तरीके से करेंगे, उसकी सफाई रेगुलरली रखेंगे, उसको उसका मानकीकरण अच्छा होगा, उसका स्टैंडर्डाइज मतलब उसको सस्टेनेबिलिटी उसकी रहेगी, तो ऑब्वियसली कंप्लेंट्स कम होंगी, डिफेक्ट्स कम होंगे, इससे क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ये सब होगा एम्प्लॉयज़, और टाइम कंजम्पशन कम होगा, टाइम कंजम्पशन कम से जो है कि आपको कॉस्ट में भी कमी होगी, है ना। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, डिलीवरी कम टाइम में होगी। अब ये सब फॉलो करने से सेफ्टी रहेगी, जब आप चीज़ों को, आप देखो एक आप किसी चीज़ को छांट कर रख रहे हैं, और छांट के रखने के बाद आपने देखा कि कटिंग टूल अलग रखे हैं, मेजरिंग टूल्स अलग रखे हैं, और जो मार्किंग टूल्स हैं वो अलग रखे हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि एकदम से कोई भी चीज़ आप कहीं से भी लेते हो तो भाई कटिंग, जब आप कटिंग टूल्स भी आपको मालूम है कि यहाँ कटने वाले टूल्स हैं, काटने वाले टूल्स हैं, तो आप उसको सुरक्षा के तौर पे देखोगे, है ना। और बाकी और काम भी आप देखोगे, जब व्यवस्थित रहता है तो सुरक्षा भी उसमें रहती है, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। मोटिवेशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वर्किंग अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है, यू विल गेट अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, काम एफिशिएंटली होता है, इफेक्टिवली होता है, जो कि 5S का एक मेन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। स्क्रैप कम हो जाता है, जब चीज़ें आप रेगुलरली मेंटेन रख रहे हो तो स्क्रैप भी कम हो जाएगा, चीज़ें खराब कम होंगी, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, है ना। और जब व्यवस्थित तरीके से रखी जाती हैं तो स्पेस का भी यूटिलाइजेशन होता है,
स्पेस को भी आप सही से यूटिलाइज कर सकते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, काम को कुल मिलाकर सही तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकता है, बेटर कंट्रोल में, या पूरी जो वर्क प्लेस है दैट शुड बी या दैट विल बी इन प्रॉपर कंट्रोल। ओके, सो दिस इज द मेन एम ऑफ 5S। तो आई होप कि आप लोगों को जो 5S का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, 5S क्या है, क्या क्या 5S हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको ये ज़रूर जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, मेरे साथ रहने बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम श्योर के यू विल गेट एम्पल ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। अगर आपको ये अच्छा लगा है सो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, और अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हम किस तरीके से और कंडक्ट कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। और उसी के साथ में प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो जो फर्दर आपको ऐसे वीडियोस, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और जो जो फिटर का मैं जो सिलेबस चला रहा हूँ ये रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद मी, टेक केयर, बाय बाय।